गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैम पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे कि बच्चों, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स के बारे में समझा। लास्ट लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टाइप्स 1 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में समझा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें अलग अलग टाइप जो है वेजिटेटिव पार्ट जो है, रूट्स में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं, लीव्स में से प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं, ओके। और 3 टाइप्स के बारे में हमने समझा था, ओके। आज के लेक्चर में हम डी नंबर, ग्रो फ्रॉम बर्ड, बर्ड में से प्लांट किस तरीके से ग्रो हो गए उसके बारे में समझेंगे, ओके। इससे पहले हमने 3 टाइप्स के बारे में समझ लिया है, रूट्स, लीव्स, कौन कौन से रूट्स में से किस तरीके से प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके बारे में, ओके, लीव्स में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं उसके बारे में, और थर्ड जो टाइप जो है उसमें स्टेम में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं, वो तीनों के बारे में मैं समझ लिया। आज के लेक्चर में हम डी नंबर, ग्रो फ्रॉम बर्ड, बर्ड में से न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होगा, न्यू इंडिविजुअल किस तरीके से ग्रो होगा उसके बारे में समझेंगे, ओके। सी हियर, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा फ्लावर, जब फ्लावर डेवलप होता है वो कहां से डेवलप होता है, तो फ्लावर बर्ड में से। ऐसे पहले फ्लावर जो होता है वो उसका जो बर्ड होता है ऐसे पहले क्लोज होता है, ओके। बाद में क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो बर्ड में से, बर्ड ओपन होता है और उसमें से फ्लावर ग्रो होता है, ओके। तो फ्लावर जो है वो पहले उसमें फ्लावर बर्ड आता है पहले, और फ्लावर बर्ड में से क्या होता है, फ्लावर्स ग्रो होता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच डेवलप इन टू शूट्स। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड जो है उसके अलावा लीव्स में, कहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। लीव्स का जो एक्सिल होता है बराबर, लीव्स का जो एक्सिल होता है उसका जो नोड होता है वहां पे लीव्स के ऊपर कुछ बर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड्स ग्रो होते हैं, ओके। और बर्ड्स का जो ग्रो होते हैं डेवलप इन टू शूट्स। शूट्स मींस क्या, शूट मींस एबोव पार्ट ऑफ द सोइल, सोइल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको शूट कहा जाता है। तो शूट में लीव्स होता है, लीव्स में क्या होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, ओके। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। ये जो बर्ड्स जो है उसको वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव बर्ड्स, ओके। एंड देन वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। बच्चे वेजिटेटिव जो ये बर्ड्स जो है उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्या ग्रो होता है, न्यू प्लांट्स। कहां से, ये वेजिटेटिव बर्ड जो मैंने आपको बोला कि लीव्स में जो बर्ड्स जो होते हैं वहां से, उस बर्ड्स में से क्या होगा, न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे, ओके। टेक अ फ्रेश पोटेटो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ओके। वहां से हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि ये बर्ड्स में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं। टेक अ फ्रेश पोटेटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके ऊपर जो पोटेटो जो है उसमें हम अब मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व करना है। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, तो आपके ऊपर उसको बर्ड्स दिखेंगे। बस कैसे, आप पोटेटो लोगे तो उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की आइस जैसा दिखेगा। दिस स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आइस, इस स्कार्स को आइस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आइस। देखना आप पोटेटो लोगे तो पोटेटो के ऊपर कुछ कुछ पार्ट ऐसे हो गए जिसमें आइस देकर आपको ब्लैक ब्लैक कलर का या फिर बर्ड्स देखने को मिलेंगे पोटेटो के ऊपर। कट द पोटेटो इन टू स्मॉल पोर्शंस। अभी क्या करना है, जो पोटेटो जो है उसके स्मॉल पोर्शन में उसको कट करना है, क्या करना है, कट द पोटेटो इन टू स्मॉल पोर्शन, उसका एक स्मॉल पोर्शन थोड़ा सा भाग उसमें से कट करना है। इच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सोइल, थोड़ा सा पार्ट पोटेटो में से कट करना है, थोड़ा सा पोर्शन उसमें से कट करना है, लेकिन के साथ विच
एंड आई, ये आई वाला जो पार्ट है उसमें से थोड़ा क्या करना है, आई वाला पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाए वैसा पार्ट हमें क्या करना है, कट करना है। एंड बरी देम इन द सोइल, और बाद में उसको सोइल में बरीड करना है, क्लियर। लेकिन उसमें आई वाला पार्ट आना चाहिए, ओके, ये कंपल्सरी आई वाला पार्ट आना चाहिए। वॉट आर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, थोड़े दिन इसमें वॉटर देना है, क्या करना है, वॉटर इसको थोड़े दिन इसको वॉटर देना है और थोड़े दिन इसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके देखना है कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसमें कुछ ग्रो हो रहा है कि नहीं। वॉट डू यू फाइंड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। फिर से एक्टिविटी एक बार समझ लेते हैं कि टेक अ फ्रेश पोटेटो, एक फ्रेश पोटेटो लेना है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, ये पोटेटो को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसके ऊपर बर्ड्स देखने को मिलेंगे, कैसा बर्ड्स, आइस, उसको आइस भी कहा जाता है, ओके। ये जो बर्ड है वो बर्ड से हमको ये थोड़ा सा पार्ट क्या कर देना है, कट कर देना है, पोटेटो का थोड़ा पोर्शन, सम पोर्शन उसमें से कट करना है, लेकिन उसमें वो आइस वाला पार्ट आ जाना चाहिए। याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स, ये जो पोटेटो है उसमें से बर्ड्स वाला पार्ट, आइस वाला पार्ट उसमें से क्या करना है, कट करना है, ओके, थोड़ा सा पोर्शन पोटेटो में से कट करना है जिसमें आइस वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। बाद में इस पार्ट को क्या करना है, बरीड इन द सोइल, सोइल में इसको बरीड करना है इस पार्ट को, और उसको वॉटरिंग करना है फ्यू डेज, थोड़े दिन आप उसको वॉटरिंग करोगे, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, वो हमको ऑब्जर्व करना है, क्लियर। नेक्स्ट, लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मेरिक, याद रखेगा ये बर्ड्स वाली जो सिस्टम है ग्रो फ्रॉम द बर्ड, वो आप जिंजर और टर्मेरिक में भी ऐसे आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। जिंजर एंड टर्मेरिक दोनों में इसी तरीके से बर्ड्स में से, ये सभी प्लांट्स ऐसे जो बर्ड्स में से ग्रो होते हैं, पोटेटो है, जिंजर है, टर्मेरिक, ये सब कहां से ग्रो हो गए, बर्ड्स में से ग्रो होते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके। नाउ प्लांट्स सच इज कैक्टिव प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेन द पार्ट्स गेट डिटेच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर कैक्टस जो होते है ना, कैक्टी जो प्लांट जो होते हैं, कैक्टस जो होते हैं, उसमें किस तरीके से प्रोड्यूशन होता है, उसमें से न्यू प्लांट्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो गए, तो देखो उसके बारे में हम समझते हैं। प्लांट्स सच इज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेन द पार्ट्स गेट डिटेच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। यहां पे ऐसा बताया गया है कि जो कैक्टी जो प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से न्यू प्लांट जब कोई उसका पार्ट डिटेच हो जाए, डिटेच फ्रॉम द मेन प्लांट में से, मेन बॉडी में से जब कोई पार्ट उसमें से डिटेच हो जाए तब न्यू प्लांट ग्रो होगा। देखिए इट्स डिटेच पार्ट कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट, और एक डिटेच पार्ट जो है जो अलग हो गया प्लांट से, मेन प्लांट से जो पार्ट अलग हो जाता है, ओके, उसमें से बाद में न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। तो कैक्टस में इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट्स जो है वो इस तरीके से उसमें से डेवलप होता है, क्लियर, ओके। देन नाउ एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो बच्चों यहां पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट हो रहा है, ओके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की फोर मेथड है, ओके, ग्रो फ्रॉम द लीव्स। एक तो हमने लीव्स में से देखा कि लीव्स में से किस तरीके से ग्रो होता है, ग्रो फ्रॉम द स्टेम, न्यू प्लांट जो है वो स्टेम में से किस तरीके से ग्रो होता है, ओके, ग्रो फ्रॉम द स्टेम फर्स्ट, ग्रो फ्रॉम द स्टेम सेकंड, ग्रो फ्रॉम द लीव्स, लीव्स में से न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं उसके बारे में देखा, ओके। देन उसके बाद ये दो टाइप्स हो गए, उसके बाद
बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हमने फोर मेथड देखी, ग्रो फ्रॉम द स्टेम, स्टेम में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं, ग्रो फ्रॉम द लीव्स, लीव्स में से प्लांट्स, न्यू प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं, एंड ग्रो फ्रॉम द रूट्स, रूट्स में से प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं, एंड डी इज ग्रो फ्रॉम द बर्ड, बर्ड में से प्लांट, न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हमने इसमें फोर मेथड देखी। ओके, ये यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नाउ वेजिटेटिव एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसके एडवांटेज के बारे में समझना के कि उसके एडवांटेजेस कौन कौन से है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने ये न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं उसके बारे में तो हमने समझ लिया कि स्टेम में से न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होते हैं। ओके, सुगर केन जो है, याद रखिएगा, सुगर केन जो है वो भी स्टेम में से ही ग्रो होती है। ओके, तो ये स्टेम में से किस तरीके से ग्रो होता है, देन रूट्स, रूट्स में से किस तरीके से ग्रो, रूट्स में हमने समझा कैरोट, बीट रूट है ना, ऐसे बहुत सारे जो है जो रूट्स में से ग्रो होते हैं, रेडिश भी रूट्स में से ग्रो होता है। उसके बाद हमने लीव्स में से समझा कि लीव्स में से न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं लाइक कैबेज, स्पिनच, ये सब कहां पे, ब्रायोफिलम, ये सब कहां से, लीव्स में से ग्रो होते हैं। ओके, तो ये तीनों के बारे में समझा। बाद में आज के लेक्चर में हमने बर्ड्स के बारे में समझा कि बर्ड्स में से न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होते, उसके पोटेटो में हमने देखा कि पोटेटो में जो बर्ड्स जो होते हैं वहां से प्लांट ग्रो होते, जिंजर, टर्मेरिक, इन सब में बर्ड्स होते, तो ये बर्ड्स में से न्यू प्लांट्स ग्रो होते। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसके एडवांटेजेस है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी ये न्यू प्लांट जो ग्रो हुए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, ओके, तो ये मेथड में एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में हम समझने जा रहे। देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यहाँ पे बच्चों ऐसा बताया गया है कि अगर हम सीड्स में से प्लांट्स ग्रो करें, अगर हम सीड्स में से प्लांट्स ग्रो करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीड को सोइल में सोइंग करते हैं, बाद में उसको वॉटरिंग करते हैं, बाद में वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट के बाद धीरे 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 वो ग्रो होते हैं। तो उसमें सीड्स में से जो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये सब जो मेथड है उसमें क्या है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो मेथड जो है उसमें क्या है, ऑलरेडी प्लांट्स ग्रो होता है पेरेंट प्लांट्स में से, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स, बर्ड, उसके पार्ट्स में से ही न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको सीड्स सोइंग नहीं करना पड़ता, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स में से ही ये प्लांट ग्रो होते हैं, तो हमारा टाइम सेव होता है। क्या होता है, टेक लेस टाइम टू ग्रो, ये जो न्यू प्लांट जो होता है वो ग्रो होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, और इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट जो है वो जल्दी आ जाते। अगर सीड सोइंग करके हम ग्रो करेंगे तो ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आने में बहुत देर लगेगी, पहले प्लांट्स ग्रो होगा, प्लांट ग्रो होगे उसके बाद में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आएंगे, तो उस पे ज्यादा देर लगती है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हमने किया, वेजिटेटिव पार्ट्स में से अगर ग्रो हो रहा है न्यू प्लांट्स तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगता है, और इसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर जो है जल्दी इसमें ग्रो हो जाते हैं। क्लियर, तो ये उसका एडवांटेज है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि न्यू प्लांट जो ग्रो होता है वो कॉपी सेम टू सेम पेरेंट्स प्लांट जैसा होता है, कैसा होता है, उसको वो पेरेंट्स प्लांट जैसा ही होता है, भले ही वेजिटेटिव पार्ट्स में से ग्रो हुआ है, लेकिन जो न्यू प्लांट जो ग्रो होगा, जो न्यू इंडिविजुअल जो ग्रो होगा वो सेम पेरेंट्स प्लांट जैसे ही कॉपी होगा, उसके जैसे ही दिखेगा, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, भले ही सिंगल पेरेंट्स में से ग्रो हुआ है लेकिन कैसा होगा, वो सेम कॉपी पेरेंट्स प्लांट जैसा ही सेम होगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पार्ट थ्री में हमने ग्रो फ्रॉम द बर्ड,
ओके, इससे पहले थ्री टाइप्स हमने शब्द लिए थे, ग्रो फ्रॉम द स्टेम, ग्रो फ्रॉम द लीव्स, ग्रो फ्रॉम द रूट्स। ओके, आज फोर्थ टाइप जो हमारा बाकी रह गया था वो ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स के बारे में हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो पॉइंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिस पार्ट फोर में हम सेकंड जो टाइप्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप हमने समझ लिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टाइप के बारे में हम समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।